हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लिसिट कॉमर्स क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक डिस्कस होगा वो होगा टाइप्स ऑफ रिसर्च का पार्ट टू। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि प्योर रिसर्च और बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है और अप्लाइड रिसर्च क्या होता है। ठीक है, तो पहला तो एक बेसिक बात आप लोगों को क्लियर कर दूँ ताकि समझने में बहुत आसानी हो। बेसिक रिसर्च को क्यों यूज़ किया जाता है? थ्योरी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, और अप्लाइड रिसर्च को क्यों यूज़ किया जाता है? वहाँ इसको यूज़ किया जाता है ताकि थ्योरी को रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अप्लाई करा जाए। ठीक है, तो ये इन दोनों का बेसिक बात है। अभी हम आगे पढ़ेंगे और पढ़ के और भी अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो पहले आए थे प्योर रिसर्च, इसका दूसरा नाम बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च और थियोरिटिकल रिसर्च। ठीक है, इसको यूज़ किया क्यों किया जाता है? इट इज़ जनरली फोकसेस ऑन जनरलाइजेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। ये थ्योरी बिल्डअप, पहले ही मैंने बोला था कि बेसिक रिसर्च को क्यों यूज़ किया जाता है, थ्योरी को बिल्डअप करने के लिए और या तो जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसको रीइंटरप्रेट करने के लिए। मान लीजिए एक थ्योरी है, हमारे जो कॉमर्स का सिलेबस है वहाँ से एक मोटिवेशन का थ्योरी है। ठीक है, उस मोटिवेशन की थ्योरी को आप क्या करना चाहते हैं, आप फिर से स्टडी करना चाहते हैं, फिर से उसके ऊपर रिसर्च करके कुछ ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो रिसर्च कैरी आउट होगा वो होगा बेसिक रिसर्च। ओके, तो इट जनरली फोकसेस ऑन जनरलाइजेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी, सर्चिंग ऑफ नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, अदर वर्ड्स इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग थ्योरी। वही मान लीजिए कि मोटिवेशनल का एक मोटिवेशनल थ्योरीज का एक थ्योरी आपने लिया, लेने के बाद उसको उसके ऊपर और भी रिसर्च करें आप, रिसर्च कंडक्ट करने के बाद उसको इम्प्रूव करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिसर्च कैरी आउट होगा वो होगा बेसिक रिसर्च। ऑल राइट, थर्ड पॉइंट देखिए, रिसर्च कॉन्सर्निंग ह्यूमन बिहेवियर कैरिड ऑन विद अ व्यू टू मेक जनरलाइजेशन अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। तो यहाँ पर जनरलाइज किया जाता है, मतलब कि थ्योरी को डेवलप करने के बाद उसको जनरलाइज किया जाता है और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में थ्योरी डेवलप होता है। मतलब कि आप सोच रहे होंगे क्या ये एक तरह का क्वालिटेटिव रिसर्च है? जी हाँ, बिल्कुल, ये एक तरह का क्वालिटेटिव रिसर्च बोला जा सकता है। तो प्योर रिसर्च का बेसिक ऑब्जेक्टिव बोलिए क्या होगा? प्योर रिसर्च का बेसिक ऑब्जेक्टिव, जी आपने बोला था कि थ्योरी बिल्डअप करना। ओके, उसके साथ जनरलाइज करना। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन दैट हैज ए ब्रॉड बेस ऑफ एप्लीकेशन। मतलब बेसिक रिसर्च में या फंडामेंटल रिसर्च में हम थ्योरी बिल्डअप करेंगे, लेकिन उस थ्योरी का ब्रॉड एप्लीकेशन भी होना चाहिए। ये नहीं कि हमने थ्योरी को बिल्डअप किया पर उसको हम रियल लाइफ में अप्लाई ही नहीं कर पाए, तो इसका कोई फायदा नहीं। तो बेसिक रिसर्च थ्योरी को बिल्डअप करने के साथ साथ उसको अप्लाई भी किया जा सके। उसके बाद एड्स टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब कि वो मोटिवेशनल रिसर्च का मोटिवेशन थ्योरी का एक थ्योरी ले लीजिए जो मैंने पहले बोला था, बोलिए उस थ्योरी में आपने फिर से रिसर्च किया, किसी भी एक थ्योरी को रिसर्च करने के बाद उसमें और भी नॉलेज आपने ऐड कर दिया, तो इसे हम बोलेंगे प्योर रिसर्च। ठीक है, हम मोटिवेशन थ्योरी का ही एग्जाम्पल पकड़ के अप्लाइड रिसर्च को समझेंगे। तो आपने बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च को कैरी आउट करके जो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में, मान लीजिए कि थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का जो मोटिवेशन वाला थ्योरी है उसमें आपने कुछ ऐड कर दिया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक रिसर्च। अभी उस थ्योरी को जब आप रियल लाइफ में यूज़ करेंगे ताकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए तो उसे हम बोलेंगे अप्लाइड रिसर्च। ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई थ्योरी को रियल लाइफ में अप्लाई किया जाएगा टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम उसे हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। आगे हम पढ़ेंगे, फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम फेसिंग टू सोसाइटी। सेकेंड, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी। ऑल राइट, ये हमने समझा। उसके बाद रिसर्च टू आइडेंटिफाई सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रेंड दैट मे अफेक्ट अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। द मेन एम ऑफ अप्लाइड रिसर्च इज टू डिस्कवर ए सोल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर। मतलब कि ये सारी जो पॉइंट्स है एक ही बात को बोल रहा है, जब एक प्रॉब्लम को फेस करेंगे आप या सोसाइटी एक प्रॉब्लम को फेस करेगा, तब जो रिसर्च आप कंडक्ट करेंगे सोल्यूशन को ढूंढने के लिए उसे आप बोलेंगे अप्लाइड रिसर्च। वो रिसर्च थ्योरी बेस्ड भी हो सकता है, मतलब कि जो थ्योरी है उसको अप्लाई करके। ठीक है, मान लीजिए कि
वो थियोरीज ऑफ मोटिवेशन में से थियोरी एक्स और थियोरी वाई को आप अप्लाई करके एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे, तो वो भी एक तरह से अप्लाइड रिसर्च होगा। ठीक है, तो बेसिक बात बोली अप्लाइड रिसर्च का क्या है। सर आपने बोला बेसिक बात अप्लाइड रिसर्च का मतलब एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना रियल लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का बेसिक कंसेप्ट खत्म होता है। अभी हम एक बार कंपेयर करके देखेंगे। देखिए बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च पैरामीटर्स में क्या होगा, टाइप्स ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड। बेसिक रिसर्च साइंटिफिक डिस्कवरी और साइंस बेस्ड होता है, मतलब आप जो थियोरी को डेवलप करेंगे वो थियोरीज ऑफ मोटिवेशन या मान लीजिए कि लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, ये थियोरी को जब आप फिर से रीइंटरप्रेट करेंगे, कुछ ऐड करेंगे, तो ये एक साइंटिफिक रिसर्च होगा। ठीक है, ऑलराइट, साइंटिफिक रिसर्च होगा। और अप्लाइड रिसर्च में देखिए टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड। यहाँ पर जब वो लॉ ऑफ डिमांड को आप रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे तो उसे हम बोलेंगे अप्लाइड रिसर्च। सेकेंड देखेंगे मोटिवेशन, इट इज इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। एंड अप्लाइड रिसर्च का मोटिवेशन क्या होता है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मतलब ये समझते हैं बेसिक रिसर्च आप क्यों कंडक्ट करेंगे, बेसिक रिसर्च का मोटिवेशन आपका क्या है, वो है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। मतलब कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हुआ कि अगर लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है तो अगर हम कुछ चेंजेस करें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो ये सोच के आपने बेसिक रिसर्च शुरू कर दिया। ओके, अप्लाइड रिसर्च का मोटिवेशन क्या होगा, आप सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन कोई एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए आपने अप्लाइड रिसर्च को शुरू कर दिया। की क्वेश्चंस क्या, इज इट ट्रू और डज इट वर्क, आसान है। और ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड और टू कम अप विथ सोल्यूशन। बेसिक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अंडरस्टैंड, और अप्लाइड रिसर्च का वही सेम ऑब्जेक्टिव, वो होता है टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन। तो यहीं पे ख़त्म होता है बेसिक और अप्लाइड रिसर्च। आई होप आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहा है, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ रिकमेंडेशन भी देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए।